До 3. चलिए अब मेरी आवाज आ रही होगी अभिषेक चौहान प्रिंस मौर्या विवेक यादव सुजीत कुमार यादव रूबी जायसवाल अमरेंद्र कुमार स्नेहा साहू नैतिक लक्ष्मण अमरेंद्र विजय बहादुर अंशु मौर्या प्रीति यादव राजा आंचल चंद्रशेखर सैनी अमरेंद्र कुमार जयप्रकाश साहू नैतिक बीरू विवेक गुप्ता चलिए आप सभी बच्चों को गुड इवनिंग गुड इवनिंग आनंद कुमार बिल्कुल बाबू अब तो आवाज आ रही है अमन सिंह आदर्श मिश्रा लौकुश यादव सत्यम सिंह अनऑफिशियल नौनी दुबे आदर्श मिश्रा चलिए जो भी बच्चे लाइव जुड़े हैं आप सभी बच्चों को गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को जय हिंद आइए बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपकी जो जिम्मेदारी है वीडियो को शेयर करना आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो भी बच्चे मुझको लीवोलन पर देख रहे हैं आप सभी बच्चे यूट्यूब चैनल पर आ जाएं यूट्यूब पर ही देखिए एक ही जगह आप लोग देखेंगे सारा कमेंट एक जगह आएगा तो सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगी ठीक है फिर कोई समस्या आप लोगों की रहेगी तो डायरेक्ट मुझको कमेंट दिखाई देगा सुजीत कुमार यादव कह रहे हैं सर क्यूब एट स्मॉल टुकड़ों में हो तो उसका एज कैसे निक, निकलेगा जीरो होगा भाई ठीक है आठ ही अगर बनेगा आपका तो वो आठ क्या होंगे सबके सब कॉर्नर सब होंगे बाकी सबकी संख्या शून्य हो जाएगी इसमें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है चलिए आप सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दें ध्यान दीजिए आप लोग आप सभी बच्चे ध्यान दें कल की क्लास में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ लिया था आज उसको एक बार थोड़ा सा बस बच्चों हम लोग रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर सीधे आ जाएंगे अपने क्वेश्चन पर लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को रिवीजन करना होगा चलिए आप सभी बच्चे ध्यान से समझे सारी चीजों को कौन भाई डिसलाइक कर दिया है अमरिंद्र कुमार कह रहे हैं <laughs> चले किसी की इच्छा रही होगी डिसलाइक करने की तो कर दिया होगा देखिए कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था कल की क्लास में बच्चों हम लोगों ने यह समझा था कि अगर हम किसी भी घन को काट करके छोटे छोटे घनों में बदलते हैं तो छोटे छोटे घन चार स्थानों से मिलते हैं पहला क्या हाँ से मिलता बच्चों सबसे पहला आपने पॉइंट सीखा था कॉर्नर से घन मिलते हैं मतलब कोने से एस से घन मिलते हैं किनारे से सरफेस से घन मिलता है मतलब सतह से और कोर से घन मिलता है मतलब अंतर भाग से हमें घन प्राप्त होते हैं इन चार स्थानों से घन मिलते हैं फिर आपने कहा था कि अगर मैं कॉर्नर की बात करूं तो कॉर्नर से मैक्सिमम तीन सतह रंगीन घन प्राप्त किए जा सकते हैं किनारे से अधिकतम दो सतह रंगीन घन मिल सकते हैं सतह से अधिकतम एक सतह रंगीन घन मिल सकते हैं और कोर से हमेशा बिना रंग वाले घन मिलते हैं मतलब रंगहीन घन प्राप्त होते हैं यह आपने कॉन्सेप्ट सीखा था फिर आपने कहा था कि अगर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें जैसे एक घन ले उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम काट दें तो काटने के बाद जैसे अगर चौसठ घन बन रहे हैं 125 घन बन रहे हैं या 216 घन बन रहे हैं तो कितने घन ऐसे हैं 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 जो जो कि कोने से निकल के आ रहे कितने घन ऐसे कि किनारे से आ रहे हैं कितने घन ऐसे हैं हैं जो कि सतह से निकल के आ रहे और कितने ऐसे घन है जो कि कोर से निकल के आ रहे हैं इसकी हम लोगों ने संख्या काउंट किया था तो बच्चों इसकी संख्या हम लोगों ने इस वजह से काउंट किया था क्योंकि आगे चल के हम लोगों को कुछ फार्मूला बनाना है जिससे कि सवाल हमारा ओरल हो जाए तो देखिए अब कल की क्लास को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा ठीक है फिर वहीं से सारा रिलेशन बनाना शुरू करूंगा क्लियर बच्चों चलिए ध्यान दीजिए आप लोग कल की क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा था आप लोगों ने यह कहा था कि अगर हम किसी भी घन को अगर हम किसी घन को काट करके छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दें ये आपका घन है अगर हम इस घन को काट करके छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दें एक बार काट दिया दो बार काट दिया और ये देखिए तीन बार काट दिया तो तीन बार हमें इस साइड से भी काटना पड़ेगा एक बार दो बार ये तीन बार तीन बार इस साइड से भी काटेंगे एक बार कट गया दो बार कट गया और ये तीन बार कट गया देखिए आपने यही कहा था बच्चों कि अगर हम किसी भी घन को काट करके छोटे छोटे घनों में बदलेंगे तो हमें चार जगह से घन प्राप्त होते हैं कॉर्नर से घन मिलता है एज से घन मिलता है बच्चों और सरफेस से घन प्राप्त होता है और फिर उसके बाद बच्चों कोर से घन प्राप्त होता है क्लियर है अब ध्यान दीजिएगा कॉर्नर यहां पर क्या है जरा कॉर्नर की और हम बात कर लें तो आप कहेंगे ये देखिएगा ध्यान से ये क्या है बच्चों ये आपका कॉर्नर है देखिए ये आपका क्या है ये आपका कॉर्नर है इसको आप कहते हैं कोना ये कोने से प्राप्त घन है ये आपका कोना है ये क्या है बच्चों ये भी आपका क्या है कॉर्नर है ये कॉर्नर है कल की क्लास को अभी मैं रिवीजन कर रहा हूं बच्चों बस दस मिनट के समय में सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी आपकी देखिए तो ये आपका क्या हो गया ये आपका हो गया कॉर्नर और कॉर्नर से बच्चों मैक्सिमम तीन सतह रंगीन घर मिल सकता है और मिनिमम जीरो मिनिमम का मतलब बच्चों क्या अगर सतह पर कलर ही नहीं है तब तो जीरो सतह रंगीन मिलेगा ही मिलेगा चलिए फिर ध्यान दीजिए आप लोग किनारा हम किसको कहते हैं जरा किनारा देखिए आप लोग किनारा किसको कहते हैं ये ये आपको जो लाइन दिखाई दे रही है लाल रंग की रेखा यही क्या है बच्चों किनारा है तो यहां से देखिएगा ये आपको घन दिखाई दे रहा है ये कट के निकलेगा ऐसे ये घन कट के इस प्रकार से निकलेगा तो यहां से कितनी सतह रंगीन घन मिल सकते हैं यहां से दो सत रंगीन घन मिलेंगे तो आप कहेंगे कि किनारे से बच्चों मैक्सिमम दो सतह रंगीन घन मिलते हैं और मिनिमम जीरो सतह रंगीन घन मिलते हैं फिर ध्यान दीजिएगा सतह किसको कहते हैं बच्चों सतह की अगर हम बात करें अगर हम सतह की बात करें सतह यहां पर कहा है बच्चों तो देखिएगा आप कहेंगे ये तो आपका ये आपका जो पॉइंट है देखिए ये आपका जो क्यूब है ये तो आपका कहां चला गया बच्चों ये तो कॉर्नर में काउंट होगा ये आपका कॉर्नर में काउंट होगा और ये कहां काउंट होगा ये आपका काउंट होगा किनारे में ये काउंट होगा किनारे में चलिए ये आपका काउंट होगा किनारे में ये किनारा है और ये किनारा है तो सतह की अगर हम बात करें अगर हम सतह की बात करें तो सतह कहां आपको दिखाई दे रहा है ये देखिएगा ध्यान से ये सतह आपको दिखाई दे रहा है ये सतह है बच्चों ये पूरी क्या है सतह है और यहां से आपको ये घन दिखाई दे रहा है एक दो तीन और चार ये चार घन दिखाई दे रहा है तो आपने क्या देखा बच्चों आपने देखा कि ये आपका कॉर्नर है ये कॉर्नर है ये कॉर्नर है ये कॉर्नर है क्लियर चलिए ये दोनों क्या है किनारा है ये दोनों क्या है किनारा है ये दोनों आपके क्या है किनारे हैं और ये क्या है ये है सतह ये क्या बच्चों ये है सतह ये है सतह ये क्या है कोना ये क्या है कोना ये क्या है किनारा ये भी क्या है किनारा चलिए ये क्या है कोना ये क्या है कोना और ये क्या है किनारा आरी समझ में? तो अगर मैं किनारे की बात करूं बच्चों तो किनारे से आपको एक सतह रंगीन घन मिलेंगे किनारे से अगर आप कोई भी अगर घन यहां से काट के निकालेंगे तो मैक्सिमम एक सतह पर ही रंगीन घन मैक्सिमम एक सतह ही रंगीन हो सकती है तो आप कहेंगे यहां से अधिकतम एक सतह रंगीन घन मिलेगा और मिनिमम जीरो सतह रंगीन होगा और बच्चों अगर मैं कोर की बात करूं तो यह अंतर भाग होता है और यहां से कलरलेस कलरलेस क्यूब्स प्राप्त होते हैं आरिबा समझ में यहां से आपको कलरलेस क्यूब प्राप्त होंगे चलिए तो कॉर्नर से अधिकतम तीन रंगीन घन किनारे से अधिकतम दो एक और कोर से बिना रंग वाले घन प्राप्त होते हैं इतना आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया अब चलते हम लोग आगे बच्चों अगर मैं आगे के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो देखेगा आगे आपने क्या समझा था आपने कहा था कि अगर हम घन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें तो कितने ऐसे घन हैं जो कि कॉर्नर से आएंगे कितने ऐसे घन हैं जो कि किनारे से आएंगे कितने ऐसे घन हैं जो कि सतह से आएंगे और कितने ऐसे घन हैं जो कि कोर से आएंगे तो अगर मैं उन सबकी संख्या काउंट करूं अगर मैं सबकी संख्या काउंट करूं तो कल मैंने आपको काउंट करके समझाया था लेकिन उससे फार्मूला नहीं बन पाया था आज मैं फिर से काउंट कर रहा हूं और बहुत जल्दी काउंट करूंगा और फिर उसी से फार्मूला आपको बना के दिखाऊंगा देखिएगा ध्यान से बच्चों अगर मैं ये आपसे बोल दूं कि एक घन है यह घन है और इस घन को काट करके इस घन को काट करके 27 छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया गया दूसरा फिर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपसे कह दूं कि यह आपको जो घन दिखाई दे रहा है इस घन को काट करके बच्चों चौसठ छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया गया एक तीसरा मैंने एग्जाम्पल लिया था मैंने आपसे कहा था कि अगर एक घन है बच्चों इस घन को काट करके 216 छोटे सो छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया गया चलिए तो आप लोग बताइएगा अगर बच्चों हम 27 छोटे छोटे घनों में बदलेंगे तो एक्स क्यूब की वैल्यू 27 तो एक्स की वैल्यू तीन इसका मतलब काटना पड़ेगा आपको दो बार तो आप कहेंगे देखेगा एक पार्ट ये कट गया एक पार्ट ये कट गया दो बार आपने काट दिया दो बार आपने एक साइड से काटा तो दो बार आपको दूसरी साइड से भी काटना पड़ेगा ये लीजिए दूसरी साइड से भी काट दिया फिर ये देखिएगा ध्यान से इस साइड से भी आप दो बार काटेंगे ये आपने काट दिया क्लियर चलिए अगर चौसठ छोटे छोटे आप घन बनाएंगे तो आप कहेंगे एक्स क्यूब की वैल्यू चौसठ तो एक्स बराबर कितना चार तो चार टुकड़े चाहिए तो तीन बार काटेंगे तो ये देखिएगा इसको अगर तीन बार काटना तो एक बार दो बार और ये तीन बार तीन बार आपने काट लिया एक दो तीन फिर देखिए एक दो तीन एक दो तीन फिर इधर से भी आप काटेंगे एक बार दो बार तीन बार बस थोड़ा सा बच्चों कुछ देर आप इंतजार कर लीजिए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए उसके बाद बच्चों जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो फिर बहुत मजा आएगा तब आप लोग कहेंगे कि नहीं ये सब सारी चीजें मेरी बहुत जल्दी और आसानी से सॉल्व हो जा रही हैं यहां देखेगा यूब की वैल्यू दो सौ सोलह तो स बराबर छह मतलब काटेंगे आप पांच बार एक दो तीन चार और ये आपका हो गया पांच चलिए अब ध्यान से समझिएगा इन सब में आप लोगों ने काउंट क्या किया था आपने कहा था कि इसमें कितने ऐसे घन है जो कि कोने से निकलेंगे कितने ऐसे घन है जो किनारे से निकलेंगे और कितने ऐसे घन है जो कि सरफेस से निकलेंगे और कितने ऐसे घन है जो कि कोर से निकलेंगे वही चीज आप लोगों ने इसमें भी काउंट किया था वही चीज आप लोगों ने इसमें भी काउंट किया था तो चलिए बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए थोड़ा सा मैं फिगर बहुत हल्का सा छोटा करने जा रहा हूं देखिएगा ध्यान से चलो यहां भी मैं लिख दे रहा हूं देखेगा कॉर्नर फिर उसके बाद लिख रहा हूं एज फिर बच्चों सरफेस उसके बाद फिर कोर वही चीज मैं यहां भी लिखने जा रहा हूं कॉर्नर फिर एज सरफेस और उसके बाद फिर कोर वही चीज मैं यहां लिख रहा हूं कॉर्नर एज सरफेस और कोर लिखने का मतलब क्या बच्चों अब मैंने जो काउंटिंग की थी उन सभी चीजों को मैं यहां पर नोट करूंगा चलिए अब आप लोग बताइएगा यहां पर कोने से निकलने वाले घन कितने हैं कोने से कितने घन निकल के आए हैं तो आप कहेंगे देखिएगा यह आपका कॉर्नर है यह आपका कॉर्नर है यह आपको कोना दिखाई दे रहा है फिर बच्चों ये आपको एक कोना दिखाई दे रहा है ये आपको एक कोना दिखाई दे रहा है और ये आपको एक कोना दिखाई दे रहा है चार कोने ऊपर चार कोने नीचे तो चार चार कितना आठ यहां पर कोने से कितने घर निकल के आए हैं आठ यहां देखिए इस फिगर में जरा आप देखिएगा यहां पर बच्चों कोने से कितने घर निकल के आए हैं तो आप कहेंगे देखिए ये आपको घन दिखाई दे रहा है ये आपका एक कॉर्नर है ये आपका कॉर्नर के अंतर्गत आपका काउंट होगा ये कॉर्नर में काउंट होगा और ये कॉर्नर में काउंट होगा तो यहां पर कोने से निकलने वाले घन कितने हैं यहां भी कितने हैं यहां भी है आठ चलिए यहां देखिए आप लोग यहां देखिएगा आप कहेंगे ये आपका कॉर्नर में काउंट होगा ये आपका कोना है फिर ये आपका कोना है ये कोना है और ये कोना है तो चार कोने ऊपर चार कोने नीचे तो कॉर्नर कितना हो गया आठ आ रही बात समझ में तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं इस बात को जरा समझिए बच्चों चाहे चाहे आपने सत्ताईस छोटे छोटे घन बनाए चाहे आपने चौसठ छोटे छोटे घन बनाए चाहे दो सौ सोलह छोटे छोटे घन बनाए कॉर्नर की बच्चों जो संख्या है हर जगह कितनी देखने को मिल रही है हर जगह कॉर्नर की संख्या बच्चों आठ है हर जगह कॉर्नर की संख्या क्या बच्चों कॉर्नर की संख्या आठ है इसका मतलब कॉर्नर पर यक्ष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अब मैं यक्ष क्यों बोल रहा हूं बच्चों यक्ष मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि यक्ष का मतलब होता है टुकड़ों की संख्या जितने टुकड़े करेंगे जितने हिस्से करेंगे उतना ही तो घन बनेगा इसको बताइए इसको आपने कितना कितने हिस्से किए यहां पर एक दो तीन यहां पर आपने तीन हिस्सा किया यहां पर एक दो तीन चार यहां पर चार टुकड़ा किया यहां पर एक दो तीन चार पांच छह यहां पर छह टुकड़ा किया तो चाहे बच्चों यहां पर यक्ष की वैल्यू देखेगा तीन है यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है चार है और यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी है? चाहे, है चाहे आप तीन टुकड़े किए हैं चाहे आप चार टुकड़े किए हैं चाहे आप छह टुकड़े किए हैं तीन टुकड़ा करने का मतलब चाहे सत्ताईस घन बनाइए चार टुकड़ा करके चाहे चौसठ घन बनाइए छह टुकड़ा करके चाहे दो सौ सोलह घन बनाइए क्या बच्चों इस पर यक्ष का कोई प्रभाव पड़ेगा तो आप कहेंगे इस पर एक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो आप यहां पर लिख सकते हैं कॉर्नर पर यक्ष का कोई प्रभाव नहीं है इस पर यक्ष का कोई प्रभाव नहीं है चाहे आप जितने टुकड़े में करिए अगर बच्चों बताइए अगर मैं आगे एक एग्जाम्पल और लेता और मैं कहता कि बताइए पांच घन पांच घन बनाइए तो पांच सौ बारह घन का मतलब की वैल्यू पांच सौ बारह तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है आठ और अगर एक्स की वैल्यू आठ है तो आप सात बार काटते तब जाके आठ टुकड़ा बनता लेकिन क्या बताइएगा अगर आप आठ टुकड़ा भी कर देते अगर आठ टुकड़ा कर देते पांच सौ बारह घन बन जाते तो भी कोने से निकलने वाले घनों की संख्या तो आठ ही होती तो क्या बच्चों बताइए ये टुकड़ों की संख्या का कोई प्रभाव कॉर्नर पे पड़ रहा है क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है चाहे आप कम टुकड़े में करिए चाहे आप ज्यादा टुकड़े में करिए चाहे आप तेरह से इकतीस घन बनाइए कितने भी आप घन बना दीजिए कोने से निकलने वाले घनों की संख्या आठ होगी ये बात सबको समझ में आ गई होगी चलिए कॉर्नर विल बी इक्वल इन एवरी क्यूब हां बाबू कोने से निकलने वाले घनों की संख्या हर घन में आठ ही होगी चलिए अब ध्यान दीजिएगा अब मैं बात करता हूं किनारे की अब मैं बात करता हूं किनारे की यहां भी किनारे की बात करूंगा फिर यहां भी मैं किनारे की बात करूंगा जरा आप लोग ये यह बताइएगा यहां बच्चों किनारे से घन अगर आपको पता करना कि किनारे से कितना घन मिलेगा तो आप क्या करेंगे क्या आप प्रत्येक किनारा काउंट करेंगे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं अगर किनारे से कितना घन मिलेगा अगर इसकी संख्या काउंट करना है तो आप लोग क्या करिएगा क्या प्रत्येक किनारे से निकलने वाले घनों को आप गिनेंगे आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप कहेंगे सर हमें तो पता है कि हर किनारे से निकलने वाले घनों की संख्या सेम होगी तो एक किनारे से निकलने वाले घन को गिन लेते हैं और बारह से गुड़ा कर लेते हैं तो चलिए अब हमें करना क्या है हमें करना बच्चों बारह और उसके बाद फिर गुड़े देखिएगा बारह फिर गुड़े बारह गुड़े क्या करना है एक किनारे से निकलने वाला घन तो बताइएगा एक किनारे से अगर हम यहां पर घन काउंट करें तो ये देखिएगा ध्यान से अब ये आपको किनारा दिखाई दे रहा है और एक किनारे से कितना घन निकल के आ रहा है यहां पर एक घन निकल के आ रहा है यहां पर एक किनारे से एक घन निकल के आ रहा है तो आप कहेंगे बारह गुड़े एक क्लियर चलिए यहां देखिएगा यहां पर एक किनारे से कितने घन निकल के आ रहे हैं तो आप कहेंगे देखिएगा एक घन ये दिखाई दे रहा है आपको और एक घन आपको ये दिखाई दे रहा है यहां पर एक किनारे से कितने घन निकल के आ रहे हैं दो तो आप कहेंगे यहां पर अगर एक किनारे से दो तो टोटल किनारे कितने हैं बारह तो बारह गुड़े दो यही आप करेंगे चलिए यहां पर जरा देखिए एक किनारे से कितना घन निकल के आ रहा है आप कहेंगे देखिएगा एक किनारे से एक घन ये निकला एक घन ये निकला एक घन ये निकला एक घन ये निकला काउंट करिए तो एक दो फिर तीन और ये चार एक किनारे से कितना निकला चार तो आप बारह गुड़े चार करेंगे बारह गुड़े चार करेंगे आ रही बात समझ में चलिए अब देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा हम लोग दिमाग का प्रयोग करेंगे थोड़ा सा बच्चों हम लोग दिमाग का प्रयोग करेंगे जो बच्चों हम लोगों को अभी ये समझ में आ रहा है देखिएगा जो हम लोगों को यहां पर एक दिखाई दे रहा है एक यहां पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है दो और यहां पर दिखाई दे रहा है चार ये क्या है ये एक दो चार क्या है अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक दो चार क्या है तो आपका जवाब होगा कि ये आपका एक किनारे से निकलने वाले घनों की संख्या है और सब में आप किससे गुड़ा कर रहे हैं बारह से बारह से गुड़ा क्यों कर रहे हैं क्योंकि अगर एक किनारे से चार घन निकलेगा तो बारह किनारे से चार चार घन निकलेंगे एक किनारे से दो तो प्रत्येक किनारे से दो दो घन निकल के आएगा एक किनारे से एक तो हर किनारे से आपको एक एक घन आ, दिखाई देगा तो चलिए अब अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो आप कहेंगे अब इसको तो मुझे एक कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है कि इसको गिनने की कोई जरूरत नहीं थी इसको बच्चों काउंट करने की कोई जरूरत नहीं थी देखिएगा ध्यान से क्यों जरूरत नहीं थी अगर बच्चों आप बताइएगा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको 27 घन बनाना है 27 घन बनाना है तो कितने टुकड़े आपको चाहिए 27 घन बनाने के लिए आपको कितना टुकड़ा चाहिए तो आप कहेंगे अगर एक्स क्यूब की वैल्यू सत्ताइस अगर एक्स क्यूब की वैल्यू सत्ताइस तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी एक्स की वैल्यू होगी तीन की वैल्यू होगी तीन मतलब तीन टुकड़ा चाहिए और अगर तीन टुकड़ा चाहिए बच्चों तो तीन टुकड़े में आप देख सकते हैं जो ये वाला टुकड़ा है और ये जो ये टुकड़ा दिखाई दे रहा है तीन टुकड़े दिखाई दे, दे, दे रहे हैं भाई तीन टुकड़े दिखाई दे रहे हैं इस तीन टुकड़े में जो ये वाला टुकड़ा है और जो ये वाला टुकड़ा है ये क्या है कोना है तो तीन में से दो तो निकल गया कोना तो किनारा कितना होगा भाई एक ही टुकड़ा किनारे में काउंट होगा एक ही टुकड़ा किनारे में काउंट होगा आ बात समझ में तो आप कहेंगे कि भाई अगर टोटल तीन टुकड़े हैं तो तीन में से आप दो घटा लीजिए तो ये जो आपका एक मान आया है एक्चुअल में बच्चों ये x टू की वैल्यू है ये वैल्यू क्या एक्स माइनस टू है ये क्या भाई ये x माइनस टू है x माइनस टू समझ में आया x माइनस टू आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्यों बच्चों क्योंकि बताइए अगर आप सत्ताईस घन बनाएंगे अगर आप सत्ताईस घन बनाएंगे तो यहां पर टोटल तीन टुकड़े आप करेंगे तीन में से आपका जो ये दो टुकड़ा है ये दो टुकड़ा तो बच्चों आपका कोने में काउंट हो गया तो अगर इस दो टुकड़े को हटा दें तो एक टुकड़ा ऐसा बचेगा जो कि किनारे में काउंट होगा तो किनारे से प्राप्त घनों की संख्या एक है और इसको बिना गिने आप इस एक्स में से अगर आप दो घटा लेते तो यहां से बच्चों ये वैल्यू मिल जाती क्लियर है यही कॉन्सेप्ट जरा आप यहां देखिएगा यही कॉन्सेप्ट यहां भी हम लोग फॉलो करते हैं जरा ध्यान दीजिए आप लोग आप बताइएगा चौसठ घन बनाना है तो यूब की वैल्यू चौसठ तो एक्स की वैल्यू कितनी एक्स की वैल्यू चार और अगर एक्स की वैल्यू चार है मतलब चार टुकड़े चाहिए तो चार टुकड़े में से देखेगा ये वाला जो टुकड़ा है और जो ये वाला टुकड़ा है ये तो दो टुकड़े काउंट हो गए किसमें कोने में तो चार में से अगर हम दो घटा लें तो ये दो दो टुकड़े दिखाई दे रहे हैं यही किसमें काउंट होंगे किनारे में तो आप कहेंगे जो ये वाली वैल्यू है ये एक्चुअल में एक्स माइनस टू की वैल्यू है क्लियर है ये एक्स टू की वैल्यू है फिर यहां देखिएगा अगर बच्चों 216 घन सो आपको बनाने हैं बराबर 216 सो हो गया तो यक्स की वैल्यू कितनी होगी की वैल्यू होगी छ मतलब छे टुकड़ा चाहिए तो आप देख सकते हैं एक टुकड़ा ये देखिएगा ध्यान से एक टुकड़ा ये दो टुकड़ा तीन चार पांच छह टुकड़ा है छे टुकड़े में ये वाला जो टुकड़ा है और जो ये वाला टुकड़ा है ये किसमें ये किस में काउंट होगा भाई ये दो टुकड़े तो आपके कोने हैं तो अगर हम छह में से दो टुकड़ा घटा दें तो कितने टुकड़े बचेंगे चार और यही चार क्या होगा बच्चों यही चार आपका होगा ये किनारे से प्राप्त घन तो ये वाली जो चार की वैल्यू ये किसके बराबर है ये एक्स माइनस टू के बराबर है आ रही बात समझ में अब क्या मेरे बच्चों आप लोग बताइए कभी भी आप लोगों को कभी भी अब आप लोगों को अगर कुल घनों की संख्या पता होगी तो कुल घनों की संख्या से डायरेक्ट क्या आप ये पता कर सकते हैं कि एक किनारे से कितने घन होंगे बिल्कुल पता कर सकते हैं कैसे पता कर सकते हैं भाई जैसे अगर मैं अभी एक एग्जाम्पल दू मैं आपसे ये कहूं कि बताइए अगर 512 घन में आपने बदला है तो की हो गई 8 और अगर तो घन मिलेगा तो आप कहेंगे तो बीच में कितना बचेगा बीच में बचेगा छ इसका मतलब क्लियर हो गया कि एक किनारे से छह मिलेगा तो बारह किनारे से बारह छह बहत्तर तो ये बात कर पाएंगे कि नहीं आप कहेंगे ये बात तो हम लोग बिल्कुल ओरल तरीके से कर सकते हैं क्लियर बच्चे तो टुकड़ों में से अगर हम दो घटा दें टुकड़ों का मतलब अगर हम यक्ष में से से दो घटा दें, तो ये एक किनारे से प्राप्त घनों की संख्या होगी और बच्चों अगर एक किनारे से इतना घन आएगा तो आप बारह से गुड़ा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुल किनारे से कितने घन निकल के आएंगे मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों अब मैं आगे बढ़ रहा हूं ध्यान दीजिए आप लोग बस एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाइए फिर हर एक सवाल आप ओरल करेंगे ये मेरी जिम्मेदारी है मेरी गारंटी है ठीक है देखिए अब बच्चों अगर मैं बात करूं सरफेस की तो यहां भी मैं सरफेस काउंट कर रहा हूं पता नहीं क्यों जब मैं पढ़ाता हूं तो ये बोर्ड बहुत स्लो काम करने लगता है मेरी स्पीड ये समझ नहीं पा रहा है चलिए देखिएगा ध्यान से बच्चों देखिए अब मैं अगर सरफेस की बात करूं बच्चों कि सरफेस से कितना घन निकल के आया तो यहां बताइए यहां सरफेस से आपको कितने घन दिखाई दे रहे हैं ये तो आपका किनारा है ये भी किनारा है ये भी, भी किनारा है यहां पर सिर्फ एक सतह से कितने घन निकल के आ रहे हैं एक सतह से एक घन निकल के आ रहा है और अगर एक सतह से एक घन निकल के आया अगर एक सतह से एक घन दिखाई दे रहा है आपको कि एक घन निकल के आया है तो आप बताइएगा टोटल सतह कितने हैं छह तो छह गुड़े आप क्या करेंगे छह गुड़े एक करेंगे अरे बात समझ में चलिए अगर मैं यहां काउंट करूं यहां पर एक सतह से कितने घन निकल के आए हैं तो आप कहेंगे देखिए भाई ये तो आपका हो गया किनारा ये हो गया किनारा ये, किनारा ये किनारा ये किनारा ये भी किनारा है ये किनारा है ये आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है भाई ये है सतह ये है सतह और यहां से एक दो तीन चार चार घन निकल के आए अगर एक सतह से चार घन निकल के आए हैं तो बच्चों छ सतह से चार चार घन निकल के आएंगे तो छह गुड़े चार चौबीस तो आप कहेंगे सीधे बच्चों छह और गुड़े कितना गुड़े कितना चार गुड़े आप चार कर रहे हैं चलिए यहां देखेगा यहां आप कहेंगे कि देखिए ये 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 और फिर ये, ये 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 और ये क्या हो गया भाई किनारा हो गया अब मैं बात करता हूं सतह की इसमें सतह कहां से कहां तक है तो आप कहेंगे देखिएगा जो ये मैं लाइन खींच रहा हूं ये क्या बच्चों ये सता से निकलने वाले घन है लेकिन कितने सतह से एक सतह से और कितने घन निकल के आ रहे? हैं तो आप कहेंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह कितना सोलह तो आप कहेंगे कि सोलह गुड़े छह गुड़े सोलह छह गुड़े कितना सोलह छह गुड़े सोलह चलिए अब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा अब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा अब मैं आप लोगों से यह पूछूं कि बताइए छह का गुड़ा यहां भी आपने किया है छह का गुड़ा यहां भी किया है छह का गुड़ा आपने यहां भी किया है हर जगह आपने छह से गुड़ा क्यों किया है तो आप कहेंगे कि हमने जो बाद वाली वैल्यू ली है वो एक सतह से निकलने वाले घनों की संख्या ये एक क्या है एक सतह से प्राप्त घनों की संख्या यह चार क्या है एक सतह से प्राप्त घनों की संख्या यह सोलह क्या है एक सतह से प्राप्त घनों की संख्या तो अगर एक सतह से इतने घन निकल के आए हैं तो हर सतह से उतने ही घन निकल के आएंगे इस वजह से आपने छह से गुड़ा किया है क्लियर बच्चों चलिए अब ध्यान दीजिए आप लोग अब आप लोगों को बनाना है कॉन्सेप्ट अब आप लोगों को बनाना है कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट हम लोग बनाएंगे बहुत आसानी से जरा एक बात बताइएगा यहां पर बच्चों जो आपको एक दिखाई दे रहा है यहां पर आप लोगों को एक दिखाई दे रहा है और यहां पर कितना दिखाई दे रहा है चार और यहां पर कितना दिखाई दे रहा है सोलह तो जरा आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आप कहेंगे कि सर जो यहां पर अगर किनारे अगर एक किनारे से एक घन निकल के आया है तो आप ये देखिएगा एक सरफेस से भी एक घन निकल के आया है आ रही बात समझ में अगर एक सतह अगर एक किनारे से एक घन निकल के आया है तो एक सतह से एक घन निकल के आया है फिर मेरी बात समझिए यहां पर यहां पर एक किनारे से दो घन निकला है तो यहां पर आप देखेगा एक सतह से चार घन निकल के आए हैं यहां पर जरा देखिएगा एक किनारे से अगर चार घन निकला है तो एक सतह से सोलह घन निकले हैं तो क्या रिलेशन समझ में आ रहा है आप लोगों को रिलेशन समझ में आ रहा है तो आप कहेंगे भाई देखेगा अगर एक किनारे से एक तो एक सतह से भी एक तो ये एक का स्क्वायर भी कर देंगे तो एक आएगा ouais. अगर एक किनारे से दो तो एक सतह से चार तो दो का स्क्वायर कितना चार है ये अगर एक किनारे से चार तो एक सतह से सोलह तो ये क्या चार है चार का स्क्वायर है क्लियर बच्चों तो आप इसको दो का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको आप चार का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको एक का स्क्वायर लिख सकते हैं और अभी मैंने आपको इसके जस्ट पहले समझाया था कि ये एक क्या है ये एक्स माइनस है ये दो कैसे पता चला ये एक्स माइनस से पता चला ये चार कहां से पता चलास माइनस टू से पता चला तो क्या बच्चों अगर ये एक्स माइनस टू है तो इसको हम ये लिख सकते हैं छ गुड़े एक्स माइनस टू की पावर दो लिख सकते हैं क्योंकि देखिएगा अगर यक्स माइनस टू क्या है एक किनारे से निकलने वाले घन तो अगर एक किनारे से जितना घन निकलता है उसका स्क्वायर कर देंगे तो एक सतह से निकलने वाले घन की संख्या पता चल जाएगी अगर एक किनारे से एक तो एक सतह से एक का स्क्वायर एक अगर एक किनारे से दो तो एक सत्तर से दो का स्क्वायर चार अगर एक किनारे से चार तो चार का स्क्वायर सोलह अरे बात समझ मेरी तो आप लिख सकते हैं देखिएगा ध्यान से छह गुड़े इस चार का मतलब क्या है एक्स माइनस टू की पावर दो एक्स माइनस टू की पावर दो और यहां देखिएगा ध्यान से छह गुड़े इस सोलह का मतलब क्या है एक्स माइनस टू की पावर दो एक्स माइनस टू की पावर दो ये रिलेशन समझ गए होंगे आप लोग चलिए अखिल मिश्रा कह रहे हैं स्क्वायर हो रहा है बिल्कुल सही अंशु मौर्य कह रहे हैं कि जो रिपीट करवाते हैं ना मतलब क्या है अच्छा अमर के लिए बोल रहे हैं ठीक है अमर से आप बात कर रहे हैं मुझे उम्मीद है बच्चों की एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा देखिए मैंने आपको क्या क्या समझाया मैंने आपसे कहा कि कॉर्नर से आठ कॉर्नर से आठ कॉर्नर से आठ मतलब चाहे जितने भी टुकड़े में करिए इस पर बच्चों इस पर टुकड़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मतलब यक्ष का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यहां देखेगा बारह से तो सब में गुड़ा करना ही करना है अगर यहां पर एक है यहां पर दो है यहां पर चार है तो आपने क्या देखा यहां पर बनेंगे टुकड़े तीन तीन में से दो घटा लेंगे एक यहां पर टुकड़ों की संख्या चार चार में से दो घटाएंगे दो यहां पर टुकड़ों की संख्या छह छह में से दो घटाएंगे चार क्यों दो घटा रहे हैं भाई ये बात आपको पता चल चुकी होगी क्योंकि दो क्या है दो आपका कॉर्नर में काउंट हो जाएगा तो किनारे की जो संख्या होगी वो टोटल टुकड़ों की संख्या से दो कम होगी ये समझ गए आप लोग फिर आपने कहा कि यहां पर अगर एक है तो ये एक का स्क्वायर एक यहां पर अगर दो है तो ये दो का स्क्वायर चार मतलब क्या अगर किनार अगर एक किनारे से दो घन निकल के आ रहा है तो एक सतह से चार घन निकल के आ रहे हैं तो आप क्या समझेंगे दो का स्क्वायर समझेंगे अगर एक किनारे से चार घन निकल के आ रहे हैं तो एक सतह से चार का स्क्वायर सोलह घन निकल के आ रहा है और इस चार को आप पहले ही डिफाइन कर चुके हैं एक्स माइनस टू है तो इसको आप लिख देंगे टू का इसको टू का होल होल स्क्वायर स्क्वायर इसको और इसको एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर क्लियर बच्चों चलिए अब आ जाइए आगे अब आ जाइए आगे थोड़ा सा इसको कर देता हूं फिगर को छोटा देखिए आप लोग अब ध्यान दीजिएगा बच्चों अब मैं काउंट करने जा रहा हूं कोर अब मैं काउंट करने जा रहा हूं कोर कोर से प्राप्त घन कोर से प्राप्त घन चलिए कोर से प्राप्त घन आपने कैसे निकाले थे भाई यहां देखिएगा ध्यान से ये हो जाएगा बारह और ये हो जाएगा कितना छह अच्छा ये हो गया आपका छह अच्छा तो बारह आठ बीस बीस छह छब्बीस यहां पर कोर से कितने घन निकल के आ रहे हैं एक घन यहां से कोर से प्राप्त घनों की संख्या एक क्लियर चलिए यहां देखिएगा यहां कोर से कितने घन निकल के आएंगे ये आपका हो गया चौबीस और ये हो गया छह गुड़े चार चौबीस 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 अड़तालीस अड़तालीस दो पचास छप्पन तो चौसठ में से छप्पन घटाई कितना आएगा आठ यहां पर कितना आएगा आठ आएगा क्लियर है बच्चों चलिए यहां देखेगा यहां अगर आप देखें कोर्स निकलने वाले घन तो कोर्स निकलने वाले घन कितने होंगे सोलह गुड़े छह कितना ये हो गया छानबे और ये हो गया बारह गुड़े चार अड़तालीस और ये कितना हो गया ये हो गया आठ तो देखिएगा ध्यान से अगर मैं सबको जोड़ लूँ तो छानबे और चार कितना सौ एक सौ अड़तालीस एक सौ अड़तालीस दो पचास दो बावन एक सौ बावन और दो सौ सोलह में से एक सौ बावन घटा देंगे कितना जाएगा चौसठ कितना आएगा चौसठ ये देखिएगा ध्यान से चलिए ध्यान दीजिए आप लोग तो अब आपको यह समझ में आ गया कि यहां पर बच्चों यहां पर कोर से कितने घन निकल रहे हैं यहां पर कोर से घन निकल रहे हैं एक यहां पर कोर से घन निकल रहे हैं आठ और यहां पर कोर से घन निकल रहे हैं चौसठ अब जरा रिलेशन अगर आप लोग देखेंगे तो आपको क्या समझ में आ रहा भाई लास्ट से रिलेशन देखिए यहां से रिलेशन देखिए एक किनारे से निकला चार तो एक सरफेस से चार का स्क्वायर सोलह तो एक कोर से कितना निकला चार का क्यूब चौसठ ये चार का क्यूब है कि नहीं ये चार का क्यूब है आ रही बात समझ में यहां देखेगा एक किनारे से निकले दो घन तो एक सरफेस से दो का स्क्वायर चार तो कोर से निकला कितना आठ इसका मतलब ये क्या है दो की पावर थ्री है, दो का क्यूब है यहां देखिए एक किनारे से निकला एक घन तो एक सरफेस से भी एक का स्क्वायर एक ही निकलेगा तो यहां पर क्या होगा भाई ये एक का क्यूब है ये क्या है एक का क्यूब है आ रही बात समझ में तो यहां बच्चों आपको एक कॉन्सेप्ट यह समझ में आ गया एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को यह समझ में आ गया कि ये बच्चों अगर ये एक का क्यूब है तो एक क्या है एक है एक्स माइनस टू यहां पर ये दो का क्यूब है तो दो क्या है दो है एक्स माइनस टू यहां पर चार का क्यूब है तो चार क्या है चार है एक्स माइनस टू इसका मतलब इसको हम सीधे लिख सकते हैं एक्स माइनस टू की क्यूब एक्स माइनस टू की पावर थ्री आ रही बात समझ में ये है एक्स माइनस टू की पावर थ्री और फिर ये देखिएगा ये क्या है ये है x माइनस टू की पावर थ्री ये देखिएगा ध्यान से ये आपका हो गया x की पावर x माइनस टू की पावर थ्री ये स्लो क्यों काम कर रहा है कुछ भी देखिए लिख रहे हैं तो बहुत देर में लिखा रहा है इसमें बहुत देर में इस पे आ रहा है दस मिनट से ऐसा हो रहा है चलिए समझ में आ गया आप लोगों को समझ में आ गया आप लोगों को बताइए अब ध्यान से समझिए आप लोग अब ध्यान समझिएगा मैं अब आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं अगला सवाल देखेगा और कितनी आसानी से आप लोग अगले क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से देखिए आप लोग देखिए हाँ अंजू सिंह कह रहे हैं कि सर इस फार्मूले को नोट में लिखवा दीजिए अभी मैं नोट कराऊंगा सारे चीज नोट कराऊंगा अब एक सवाल देख लीजिए कि कैसे काम कर रहा है क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन क्या है एक घन को काटकर 512 छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाए तो कॉर्नर कॉमा एच मा सरफेस तथा कोर से प्राप्त घनों की संख्या ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए चलिए अब देखिए इस सवाल के लिए बच्चों अब मैं कोई भी फिगर नहीं बना रहा हूं कोई फिगर नहीं बना पा रहा हूं ठीक है अब मैं इसके लिए कोई फिगर नहीं बना रहा हूं आपको क्या करना बच्चों आपको बस सीधे इस सवाल को समझना है और तुरंत इसको सॉल्व करना शुरू कर देना है ध्यान दीजिए आप लोग चलिए किसका कमेंट भाई आप देख नहीं रहे हैं हमारा कमेंट बाबू मैं सबका कमेंट लगातार देखता नहीं रहता हूं ठीक है हां अब मैंने देख लिया बताइए क्या कहना चाहते हैं कोर वाला बता दीजिए कोर वाला मैंने कल की क्लास में ही क्लियर किया था कोर से प्राप्त घनों की संख्या कोर का मतलब क्या है कोर का मतलब यह है कि जो बिल्कुल अंतर भाग से मिलेगा जो बीचो बीच आपके जो टुकड़े मिलेंगे उन घनों की संख्या की बात हो रही है तो सब कुछ तो निकाल लिया कॉर्नर निकाल लिया एज निकाल लिया सरफेस निकाल लिया तो सबको जोड़ करके टोटल में से घटा लीजिए तो कोर से प्राप्त घनों की संख्या आ जाएगी ठीक है लिबोलन ध्यान नहीं दे रहे हैं बाबू आप सभी लोग यूट्यूब चैनल पर ही आ जाइए जो बच्चे लिबोलन पर मुझको देख रहे हैं आप लोग यूट्यूब चैनल पर ही आ जाइए अभी मैं आप लोगों को पूरा मौका दूंगा आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं आप एक एक करके अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा आप एक एक करके सवाल पूछ लीजिएगा ठीक है पहले कुछ चीजें मेरी सुन लीजिए आप ठीक है फिर मैं आपको मौका दूंगा चलिए देखिए अब एक बात बताइएगा पांच सौ बारह छोटे छोटे घनों में बदला गया तो इसका मतलब बच्चों एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई एक्स क्यूब की वैल्यू पांच सौ बारह तो यस की वैल्यू कितनी हो गई की वैल्यू हो गई आठ यक्स की वैल्यू कितनी हो गई यक्स की वैल्यू हो गई आठ आ रही बात समझ में चलिए और अगर यक्स की वैल्यू हो गई आठ तो बताइएगा कॉर्नर से निकलने वाले घनों की संख्या एस से निकलने वाले घनों की संख्या सरफेस से प्राप्त घनों की संख्या और कोर से प्राप्त घनों की संख्या ओरल काउं काउंट कर सकते हैं कि नहीं बिल्कुल काउंट कर सकते हैं यहां देखेगा आप सीधे कहेंगे कॉर्नर से कितने घन निकल के आएंगे आप कहेंगे कॉर्नर से एट क्यूब्स आएंगे भाई क्यों क्योंकि चाहे कितने भी टुकड़े में करिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ए से निकालना है तो आप कहेंगे पहले 12 और गुड़े गुड़े क्या भाई गुड़े क्या गुड़े आप कहेंगे कि एक किनारे से प्राप्त घन और एक किनारे से कितना घन निकलेगा x में से दो घटा लीजिए तो आठ में से दो घटाएंगे कितना छह यहां देखेगा सरफेस कितने होते हैं छह और एक सत, एक सतह से कितना निकलेगा तो आप कहेंगे जब एक किनारे से निकला है छह तो एक सरफेस से निकलेगा छ का स्क्वायर मतलब कितना छत्तीस क्लियर कितना निकलेगा छत्तीस और फिर देखिए अगर मैं कोर की बात करूं तो अगर एक किनारे से निकला तो एक सरफेस से निकलेगा छ का स्क्वायर और यहां पर निकलेगा छह का क्यूब छ का क्यूब मतलब कितना दो सौ सोलह अब आप सबको जरा जो जोड़ लीजिए यहां देखेगा इस पर एक्स का कोई प्रभाव नहीं यह क्या है आठ है यह क्या बच्चों एक्चुअल में यह सिक्स कहां से आया सिक्स आया है एक्स माइनस टू की वैल्यू एक्स माइनस टू की वैल्यू है मतलब आठ माइनस दो बराबर कितना और छे दो हमने क्यों घटाया है क्योंकि दो क्या है बच्चों दो है कॉर्नर तो चलिए ये आपका हो गया एक्स माइनस टू चलिए यहां देखेगा ये छह गुड़े ये क्या है यह एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है कि नहीं और ये क्या बच्चों ये एक्स माइनस टू की पावर थ्री है तो मैंने ये सब कुछ आपको रिलेशन बताने के लिए समझाया यहां देखेगा यहां छ तो छह का स्क्वायर छह का क्यूब बन रहा आपका क्रम एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू का होली स्क्वायर एक्स माइनस टू की पावर थ्री अब जरा सबको जोड़ लीजिए क्या पांच सौ बारह घन आ रहे हैं कि नहीं तो ये देखिएगा से ये हो गया आठ और बारह गुड़े छह कितना बहत्तर और छत्तीस गुड़े छह दो सोलह और यहां भी कितना दो सोलह जरा जोड़ लीजिए कितना आ रहा भाई बहत्तर और आठ जोड़ेंगे कितना आएगा अस्सी और दो सो सोलह दो सोलह कितना चार सो बत्तीस चार बत्तीस और चार में अगर हम जोड़ लें अस्सी तो कितना आ जाएगा दो और आठ तीन ग्यारह चार और एक पांच पांच सौ बारह आ रहा कि नहीं टोटल हो गए आपके पांच सौ बारह घन तो यहां देखिएगा ध्यान से आठ ये आपका बहत्तर ये दो सौ सोलह यह दो सौ सोलह एक क्रम बना कि नहीं बच्चों एक क्रम बना और यही क्रम मैं आपको समझाना चाह रहा था इसी क्रम को समझाने के लिए मैंने इतने ढेर सारे एग्जाम्पल लिए पहले आपको हमने कॉर्नर एज और सरफेस से घनों की काउंटिंग हमने समझाया कि कैसे कैसे काउंट होता है उसके बाद मैंने आपको सबको जोड़ करके एक साथ रिलेशन समझाया तो देखिए ये रिलेशन बनता है ये क्या बनता है ये रिलेशन बनता है तो आप कहेंगे अब देखिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है बहुत आसानी से इसका आंसर देना है क्या करना भाई कॉर्नर से प्राप्त घनों की संख्या आठ ये तो आंख बंद करके आंसर दे देंगे फिर देखिए अगर किनारे से प्राप्त घनों की संख्या चाहिए तो आप बस क्यों लेखे किस की वैल्यू कितनी है जितनी भी की वैल्यू हो तो सीधे एक्स में से दो घटा लीजिए एक्स माइनस टू लेकिन ये टू क्या है? एक किनारे से प्राप्त घन की संख्या ये एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर ये क्या है एक सतह से प्राप्त घनों की संख्या ये एक्स माइनस टू की क्यूब क्या है ये अंतरभाग से प्राप्त घनों की संख्या लेकिन बच्चों टू में आपको बारह से गुणा करना पड़ेगा क्यों क्योंकि अगर एक किनारे से इतने घन मिलेंगे तो बारह किनारे से उतने ही तो घन मिलेंगे तो बारह का गुड़ा करेंगे फिर देखिएगा ध्यान से अगर एक सतह से इतने घन तो इसमें छह से गुड़ा कर देंगे तो सभी सतहों का मिला करके घनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी अब मैं आप लोगों को पूछने का पूरा मौका दे रहा हूं जो चीजें आप लोगों को नहीं समझ में आई हूं आप लोग पूछ लीजिए ठीक है अभी मैं इसका नोट भी लिखवा दूंगा कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर इसका नोट लिखवा दीजिए अभी मैं इसको पूरी तरह से नोट करा दूंगा कि कौन सी वैल्यू क्या होती है ठीक है कौन सी वैल्यू क्या होती है मैं सब कुछ नोट करा दूंगा क्यों दो घटाया जा रहा है सब कुछ नोट कराऊंगा अभी आप लोग कमेंट करके ये बता दीजिए कि क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको कहीं कोई समस्या लग रही हो कोई कॉन्सेप्ट कम समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हैं अंकित मौर्य सर एक बार फिर से बता दीजिए बाबू इस कमेंट पर मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूं ठीक है एक बार फिर से बता दीजिए मतलब आप चाहते हैं कि मैं फिर से पूरा रिपीट करूं पूरा नहीं रिपीट करूंगा जहां समस्या हो आप उस समस्या को बताइए ठीक है जहां समस्या हो आप हमें यह बताएंगे कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उस पॉइंट को बताऊंगा आप कहेंगे रिपीट कर दीजिए ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तुरंत आएंगे लाइव कहेंगे सर रिपीट कर दीजिए तो ये मुश्किल काम हमारे लिए अस्सी कहां से आया चलिए अरे बच्चों थोड़ा सा ध्यान तो दीजिए सबको जोड़ा हमने है और हमने इसको टुकड़ों में जोड़ दिया ये बहत्तर और आठ कितना होगा अस्सी दो सौ सोलह दो सौ सोलह चार सौ सो बत्तीस अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो पांच सौ बारह आएगा कि नहीं यहीं से आया अस्सी बताइए आप लोग जो पॉइंट नहीं समझ में आया हो आप उस बात को बताइए मैं उस चीज को दोबारा रिपीट कर दूंगा नेहा सिंह करें कि सर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है आप लोग ये देख लीजिए कभी भूलेगा नहीं कभी भूलेगा नहीं कॉर्नर से घन कितने निकल के आएंगे आठ और अगर बच्चों यक्ष की वैल्यू है आठ तो दो कोना हटा दीजिए तो छह क्या बचेंगे किनारे फिर छह का स्क्वायर छह का क्यूब वही आपका होता मामला पूरा प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति हाँ अंकित मौर्य देखिए अब आपने सही कहा है सर आप बारह से गुड़ा क्यों कर रहे हैं भाई ये बहुत ही आपका छोटा सा सवाल है इस सवाल को आपको यहां पर नहीं पूछना चाहिए था ये तो आपका बिल्कुल बेसिक ज्ञान है पहले ही टॉपिक में मैंने आपको समझाया था एक बात जरा बताइएगा बारह से गुड़ा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये छ क्या है ये छः क्या है ये छह तो एक किनारे से प्राप्त घन है और किनारों की संख्या कितनी होती है बारह किनारों की संख्या होती है बारह देखिए आप लोग चलिए बताइए जो बच्चे पूछ रहे हैं कि बारह से गुड़ा क्यों किए हैं तो ध्यान दीजिए आप लोग आप बताइएगा एक बात बारह से गुड़ा इसलिए किए हैं क्योंकि जैसे ये आपका किनारा है एक किनारे से एक दो तीन अगर मान लीजिए एक किनारे से तीन घन मिल रहा है तो हर किनारे से तो तीन तीन घन निकल के आएगा प्रत्येक किनारे से तीन तीन घन निकल के आएगा और किनारे कितने हैं किनारे कितने हैं भाई किनारे कितने हैं किनारे हैं बारह है, और अगर बारह किनारे हैं तो बारह से गुड़ा कर दीजिए उसी प्रकार बच्चों यहां छह से गुड़ा किया गया है क्योंकि अगर मान लीजिए एक सतह से एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ अगर एक सतह से नौ घन निकल के आ रहे हैं तो इससे भी नौ घन निकल के आएंगे इससे भी नौ घन निकल के आएंगे तो आप कहेंगे भाई कि टोटल अगर हम छह से गुड़ा कर देंगे तो सभी सतहों से प्राप्त घनों की संख्या आ जाएगी क्लियर हो गया हाँ चलिए अनऑफिशियल आदि बताने के लिए शुक्रिया कॉर्नर नहीं एज नेहा बिल्कुल अब समझ में आ गया आप लोगों को चलिए अब ध्यान दीजिए आप लोग अब सभी बच्चे ध्यान दें अब मैं नोट लिखवा दे रहा हूं आप लोगों को चले नोट लिखिएगा पहला पॉइंट लिखिएगा कॉर्नर पर यक्ष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है चलिए दूसरा पॉइंट लिखेगा एक किनारे से प्राप्त घनों की संख्या x माइनस टू इसलिए किनारे से सभी किनारों से प्राप्त कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 12x-2 12 से गुड़ा करेंगे क्योंकि एक किनारे से एक्स माइनस टू तो टोटल अगर सभी किनारों का मिला के निकालना होगा तो 12x-2 तीसरा पॉइंट लिखेगा चूंकि एक सतह से प्राप्त घनों की संख्या एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इसलिए सभी सतहों से प्राप्त कुल घनों की संख्या सिक्स एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर क्लियर बच्चों चलिए चौथा कॉन्सेप्ट देखिएगा कोर से प्राप्त घनों की संख्या x माइनस टू की पावर थ्री आप सभी लोगों को यह पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा नोट कर लीजिए आप लोग कॉर्नर पर एक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और फिर हमने लिखवाया है चूंकि एक किनारे से प्राप्त घन होते हैं एक्स माइनस टू तो सभी किनारों से प्राप्त कुल घन कितने हो जाएंगे बारह एक्स माइनस टू एक सतह से कितने घन निकल के आते हैं X -2 का होल स्क्वायर तो सभी सतहों से प्राप्त कुल घन सिक्स मल्टीप्लाई कर देंगे और कोर में किसी से गुड़ा तो करना नहीं है क्योंकि तो कोर तो कोर है भाई अंतर्भाग से घन कितने निकल के आते हैं एक्स माइनस टू की पावर थ्री क्लियर है बच्चों चलिए अब अगर किसी बच्चे को यह डाउट हो कि बताइए x टू कहां से आ गया अगर किसी बच्चे को यह डाउट हो कि माइनस टू आया कहां से इसी x माइनस टू का देखेगा स्क्वायर कर रहे हैं और इसी x माइनस टू का हम क्यूब कर रहे हैं अगर किसी को डाउट हो कि x माइनस टू कहां से आया है तो मैं ये डाउट आप लोगों का एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूं देखिएगा ध्यान से एक्स माइनस टू कहां से आया इस बात को जरा समझ लीजिए आप लोग ये देखिए चलिए देखिएगा ध्यान से तो बच्चों अगर मैं x माइनस टू की बात करूं तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि x क्या है तो आप कहेंगे कि x क्या है भाई x है टुकड़ों की संख्या x है टुकड़ों की संख्या तो जरा देखिएगा ध्यान से यहां पर टुकड़ों की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे एक टुकड़ा ये है एक टुकड़ा ये एक टुकड़ा, ये, एक, टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये एक दो तीन चार तो यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी है चार और अगर यक्स की वैल्यू चार मतलब चार टुकड़े हैं तो इन चार टुकड़ों में बच्चों इन चार टुकड़ों में जो ये टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है जो ये टुकड़ा दिखाई दे रहा है और जो ये आपको टुकड़ा दिखाई दे रहा है बच्चों जो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है ये दोनों हिस्से कहां चले जाएंगे ये जो दोनों हिस्से हैं ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये दोनों कहां चले जाएंगे तो आप कहेंगे ये तो आपका कोना बन गया और ये भी आपका कोना बन गया तो टोटल जितने टुकड़े हैं इसमें से दो क्या है इसमें दो कोने हैं इसमें दो कोने हैं और अगर बच्चों इसमें दो कोने हैं तो दो घटा दीजिए तो ये वाला जो हिस्सा है और जो ये वाला हिस्सा यही क्या होगा यही होगा किनारा यही क्या होगा किनारा होगा इसीलिए बच्चों हम दो घटा देते हैं क्योंकि जितने टुकड़े होंगे उसमें से ये और ये क्या होंगे भाई ये दोनों आपके हो जाएंगे कॉर्नर और अगर ये दोनों कॉर्नर वाले घन हो जाएंगे तो इन दोनों को हटा देंगे तो जो बचेंगे वही क्या होंगे वही किनारे से प्राप्त घन होंगे तो किनारे से प्राप्त घन हमेशा कुल टुकड़ों की संख्या से हमेशा दो कम होते हैं बात समझ में चलिए चलिए अब ध्यान दीजिएगा एक लाइन में और आप लोगों को नोट करा दे रहा हूं इसलिए नोट करा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए चलिए यहां पर फिर से एक बार नोट करके लिख लीजिएगा एक किनारे से प्राप्त घनों की संख्या प्राप्त घनों की संख्या कुल टुकड़ों की संख्या से सदैव दो कम होती है सदैव दो कम होती है क्लियर हो गया भाई चलिए आदर सिंह कह रहे हैं आज मेरा फर्स्ट डे है इसलिए पूछ रहे हैं हमको पता नहीं है क्या पूछ रहे हैं बाबू चलिए सबको समझ में आ गया चलिए अब बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग अब हम लोग आ जा रहे हैं अपने क्वेश्चन पर अब हम लोग आ जा रहे हैं अपने क्वेश्चन पर क्वेश्चन जरा देखेगा ध्यान से चलिए यह सवाल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा और इस सवाल को बच्चों सभी बच्चे ओरल तरीके से कर सकते हैं इस सवाल को मेरा हर एक छात्र ओरल तरीके से करेगा यह टाइप थ्री का पहला सवाल आपकी शीट का हाँ मैन आज निकला है रिजल्ट पीसीएस का ठीक है चलिए अब इस क्वेश्चन को बच्चों हर एक छात्र ओरल तरीके से कर सकता है आकाश सिंह क्या करें सभी सतह से प्राप्त कुल क्यूब की संख्या छह गुड एक्स माइनस टू आ, का स्क्वायर बता दीजिए प्लीज सर टोटल स्क्वायर नहीं है केवल एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है मैंने आपको इसके पहले क्या समझाया था आपको दिखाया था कि अगर यहाँ दो है तो यहाँ चार है यहाँ एक है तो एक है चार है तो सोलह है तो डायरेक्ट आपका स्क्वायर बन रहा था ठीक है थोड़ा सा आप वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा चलिए सुजीत कुमार यादव सर स्क्वायर और क्यूब कैसे आ रहा है बाबू आप थोड़ा लेट हो गए हैं पीछे थोड़ा सा जाकर के आप देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी कि क्यूब कैसे, कैसे आ रहा है और स्क्वायर कैसे आ रहा है चलिए देखिए ध्यान से आप बताइए क्या पूछा है एक ठोस घन को काटकर 125 बराबर माप वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया गया तो सवाल आपका पहला है कोने से प्राप्त घनों की संख्या किनारे से प्राप्त घनों की संख्या सतह से प्राप्त घनों की संख्या अंत केंद्र अंत केंद्र को ही बोलते हैं बच्चों कोर क्या बोलते हैं कोर अंतरभाग की बात कर रहा है और फिर लिखा है कि बड़े घन को छोटे छोटे घनों में बांटने के लिए कितनी बार काटने की आवश्यकता है टोटल नंबर आप कटिंग पूछा है बहुत आसानी से हर एक सवाल का जवाब देंगे आप बताइएगा इस सवाल के लिए फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है चूंकि बच्चों एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है यस क्यूब की वैल्यू हो गई एक सौ पच्चीस अगर एक्स क्यूब की वैल्यू एक सौ पच्चीस तो एक्स बराबर कितना होगा पांच और अगर एक्स बराबर पांच है इसका मतलब कुल कितने टुकड़े चाहिए पांच टुकड़े आपको करना है कितने टुकड़े पांच टुकड़े ध्यान दीजिएगा आप लोग तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्नर से प्राप्त घन तो कॉर्नर से प्राप्त घन कितने होंगे आठ क्लियर है कॉर्नर से कितने घन निकल के आएंगे आठ घन निकल के आएंगे अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं एज की दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं एज की तो आप जरा एक बात बताइएगा अगर बच्चों पांच टुकड़े हैं एक दो तीन चार पांच अगर पांच टुकड़े हैं तो इधर वाला टुकड़ा ये देखेगा जो अंगूठा मेरा है ये वाला अंगूठा इधर वाला टुकड़ा और इधर वाला टुकड़ा ये दोनों टुकड़े किस में जाएंगे कॉर्नर में काउंट होंगे तो तीन जो आपके टुकड़े होंगे वो कहां काउंट होंगे भाई वो होंगे किनारे में तो आप कह सकते हैं किनारे से प्राप्त घन कितने होते हैं एक्स माइनस टू लेकिन टोटल किनारे हैं बारह तो बारह एक्स माइनस टू इसका मतलब सीधे आप कहेंगे बारह और आठ माइनस दो का मतलब 6 तो बारह गुड़े छह कितना बहत्तर चलिए फिर देखिएगा अगर मैं सरफेस की बात करूं सरफेस की बात करूं तो आप कहेंगे सरफेस कितने हैं छ अगर एक किनारे से अगर एक किनारे से x माइनस टू घन निकल के आ रहा है तो एक सतह से एक्स माइनस टू के स्क्वायर क्यूब से निकल के आएंगे तो आप कहेंगे यहां पर क्या होगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर तो चलिए ध्यान दीजिए आप लोग छह गुड़े और आठ में से दो गया कितना छ छ का स्क्वायर कितना छत्तीस छत्तीस गुड़े छह कितना सॉरी बच्चों यक्स की वैल्यू पांच है देखिए X की वैल्यू कितनी x की वैल्यू है पांच यस की वैल्यू है पांच तो पांच माइनस दो तीन तो बारह गुड़े तीन कितना छत्तीस फिर देखिए अगर मैं सरफेस की बात करूं तो सरफेस से कितने घर निकल के आएंगे आप कहेंगे छह और x माइनस टू का होल स्क्वायर करना है तो ये देखेगा पांच में से दो गया तीन तो पांच माइनस दो का होल स्क्वायर तीन का स्क्वायर नौ नौ गुड़े छ कितना चौवन क्लियर सबको समझ में आ रहा है चलिए और समझ में आएगा बहुत आसानी से सारी चीज समझ में आएंगी मेरी फिर देखिएगा ध्यान से बच्चों कोर से प्राप्त घनों की संख्या कुछ नहीं करना है एक्स माइनस टू की पावर थ्री तो एक्स की वैल्यू कितनी है पांच पांच में से दो घटाइए तीन तीन का क्यूब कितना सत्ताइस और जरा आप इन सबको जोड़ के देख लीजिएगा इन सबको जरा जोड़ के देख लीजिए टोटल आपका एक सौ पच्चीस आ रहा कि नहीं बिल्कुल आएगा ये देखिए भाई चौवन है सत्ताईस है छत्तीस छठ इन सबको जोड़िए एक सौ पच्चीस आ रहा कि नहीं बिल्कुल आएगा छत्तीस और चार कितना चालीस चालीस पचास नब्बे और नब्बे और आठ अंठानबे अंठानबे दो कितना सौ और ये बचेगा पच्चीस तो एक सौ पच्चीस क्लियर अब देखिए लास्ट सवाल क्या पूछा है बड़े घन को छोटे छोटे बराबर घनों में बांटने के लिए कितनी बार काटने की आवश्यकता हो होगी तो टोटल तो नंबर आप कटिंग पूछा है आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ कटिंग टोटल नंबर ऑफ कटिंग टोटल नंबर ऑफ कटिंग क्या होता 3X -1. तो 3X 5. 5 4. 4 है थ्री एक्स माइनस वन तो थ्री एक्स की वैल्यू कितनी पांच पांच में से एक घटेगा चार चार गुड़े तीन कितना बारह तो टोटल नंबर ऑफ कटिंग कितनी आएगी बारह आएगी क्लियर नौनी दुबे ने आंसर बिल्कुल सही दिया है बारह आ रहा है जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं मुझको आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें जितने भी ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ठीक है एक मिनट का समय आप लोगों को दे रहा हूं आप सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दें चलिए आप सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दें भाई सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है सारी चीजें सबको समझ में आ रही हैं। प्रिंस यादव पूछ रहे हैं सर आपकी पूरी क्लास की वीडियो कैसे देख पाएंगे आप वीडियो देख पाएंगे लिवोलन ऐप पर पूरी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो और अगर आप केवल क्यूब की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं सबको समझ में आ गया प्लीज सर अखिलेश मिश्रा अनब्लॉक सर प्लीज बाबू अनब्लॉक तो करा दिया गया ठीक है कल ही अनब्लॉक हो गया था चलिए अब आ जाइए अगले सवाल पर अब आ जाइए अगले सवाल पर बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा अगला सवाल क्या है यह आपका है अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है यदि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी शीर्ष घनों की संख्या क्या होगी मध्य घनों की संख्या क्या होगी केंद्रीय घनों की संख्या क्या होगी और अंतर केंद्रीय घनों की संख्या क्या होगी आरि बात समझ में तो चलिए पहले आपको यह समझना है कि जो बच्चों कोने से घन मिलते हैं उन्हीं को हम शीर्ष घन कहते हैं उन्हीं को हम कॉर्नर क्यूब्स कहते हैं आरी बात समझ में जो किनारे से घन निकल के आते हैं जो किनारे से घन निकलता है उसी को हम बच्चों एज से प्राप्त घनों की संख्या कहते हैं उसी को हम मध्य घन कहते हैं उसी को हम मिडिल क्यूब्स भी कहते हैं और जो बच्चों सरफेस से घन निकल के आते हैं जो सतह से घन निकल के आते हैं उनको हम सेंट्रल क्यूब्स कहते हैं केंद्रीय घन कहते हैं थोड़ा सा नाम में अंतर इस वजह से समझिएगा और जो कोर से घन निकल के आता है जो अंतर भाग से घन निकल के आता है उसको हम अंतर केंद्रीय घन कहते हैं बच्चों इनर सेंट्रल क्यूब्स कहते हैं आ रही बात समझ में तो चलिए इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा फिर से एक नोट लिखेगा फिर से आप लोग नोट लिखेगा और पहला पॉइंट लिखेगा कोने से प्राप्त घनों को ही शीर्ष घन कॉर्नर क्यूब्स कहते हैं आ रही बात समझ में तो शीर्ष घन क्या बच्चों कॉर्नर से प्राप्त घन है चलिए दूसरा पॉइंट लिखिएगा किनारे से प्राप्त घनों को ही मध्य घन मिडिल क्यूब्स कहते हैं तीसरा पॉइंट लिखेगा सतह फलक सरफेस से प्राप्त घनों को ही केंद्रीय घन सेंट्रल क्यूब्स कहते हैं और फिर लिखेगा चौथा पॉइंट कोर मतलब अंतर भाग अंतर भाग से प्राप्त घनों को अंतःकेंद्रीय केंद्रीय घन कहते हैं मतलब क्या इनर अंत केंद्रीय घन मतलब इनर सेंट्रल क्यूब्स कहते हैं चलिए नोट कर लीजिए आप लोग आप सभी बच्चे नोट कर लें क्या लिखा आप लोगों ने कोने से प्राप्त घनों को ही शीर्ष घन कॉर्नर क्यूब्स कहते हैं किनारे से प्राप्त घनों को ही मध्य घन मिडिल क्यूब्स कहते हैं सतह मतलब फलक से प्राप्त घनों को ही केंद्रीय घन सेंट्रल क्यूब्स कहते हैं और कोर से प्राप्त घनों को अंत केंद्रीय घन इनर सेंट्रल क्यूब्स कहते हैं क्लियर बच्चों अनुपम त्रिपाठी प्रतापगढ़ सर ये वाला वीडियो बाद में मिल पाएगा हाँ बिल्कुल मिल जाएगा आप सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दें आप सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दें मैं थोड़ा सा फिगर बड़ा कर दे रहा हूं ठीक है मैं बड़ा कर दे रहा हूं नोट कर लीजिए आप लोग सबको समझ में आ रहा होगा ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी हमित सिंह कह रहे हैं लाजबाब हैं सर आप बाबू आपकी निगाहें बहुत लाजबाब हैं ठीक आप अच्छा देख पा रहे हैं जूम प्लीज कर तो दिया बाबू जूम ठीक है चलिए अब देखिए आप लोग अब आ जाइए क्वेश्चन देखिए ये रहा आपका सवाल ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने क्या लिखा है यदि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी शीर्ष घनों की संख्या क्या होगी मध्य घनों की संख्या क्या होगी केंद्रीय घनों की संख्या क्या होगी और अंतर केंद्रीय घनों की संख्या क्या होगी बहुत आसानी से हम लोग इस सबका आंसर देंगे देखेगा कैसे अगर बच्चों सबसे पहले तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए अगर हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो हम क्या कहेंगे एक्स बराबर क्या होता बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा तो बारह बटे तीन मतलब कितना चार्स की वैल्यू चार आ गई तो तीस नंबर के सवाल की अगर हम बात करें तो आपसे पूछा है कुल छोटे घनों की संख्या देखिएगा टाइपिंग इधर है ये हो जाएगा कुल छोटे घनों की संख्या ठीक है कुल छोटे घनों की संख्या टोटल स्मॉल क्यूब्स तो अगर बच्चों में ये निकालू टोटल स्मॉल क्यूब्स तो टोटल स्मॉल क्यूब्स क्या होगा एक्स की पावर थ्री तो चार की पावर तीन का मान कितना चौसठ सीधा आंसर आएगा चौसठ आ रही बात समझ में चलिए अब देखिएगा थर्टी वन नंबर का सवाल थर्टी वन नंबर का क्वेश्चन देखिए लिखा शीर्ष गनों की संख्या तो बच्चों कॉर्नर क्यूब्स कितने होंगे कॉर्नर क्यूब्स गनों की संख्या सीधे आपका आंसर आएगा आठ चलिए बत्तीस नंबर का सवाल देखिए आपसे पूछा मिडिल क्यूब्स मिडिल क्यूब्स का मतलब किनारे से प्राप्त घनों की संख्या तो 12 गुड़े कितना x माइनस टू यक्स की वैल्यू है चार तो 12 गुड़े चार माइनस दो तो चार में से दो तो घटाएंगे दो आएगा बारह दोनार चौबीस तो आंसर चौबीस तैतीस नंबर का सवाल देखिए क्या पूछा है सेंट्रल क्यूब्स सेंट्रल क्यूब्स सेंट्रल क्यूब्स का मतलब सतह से प्राप्त घनों की संख्या तो सिक्स एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर तो छ गुड़े दो का स्क्वायर चार आंसर कितना चौबीस चलिए चौतीस नंबर का सवाल देखिए क्या पूछा है इनर सेंट्रल क्यूब इनर इनर सेंट्रल क्यूब इसका मतलब कोर से प्राप्त घनों की संख्या एक्स माइनस टू की पावर थ्री एक्स की वैल्यू कितनी है चार चार में से दो गया दो, दो का क्यूब कितना आठ तो इसका आंसर आठ तो एक आंसर आपका आठ आ रहा है एक आंसर चौबीस ये वाला आंसर चौबीस ये वाला आंसर आठ और टोटल कितने घन चौसठ जोड़ लीजिए आप लोग चौबीस चौबीस अड़तालीस अड़तालीस और ये आठ आठ सोलह अड़तालीस और सोलह कितना आएगा आठ छह चौदह एक चार एक पांच एक छ चौसठ आ रहा कि नहीं बिल्कुल चौसठ आ रहा है आ रही बात समझ में तो टोटल क्यूब्स कितने आ रहे हैं कुल घनों की संख्या चौसठ और कॉर्नर से कितने घन निकल के आ रहे हैं आठ किनारे से 24, सतह से 24, अंतर भाग से 8. सबको समझ में आ रहा है सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा ये सारी बातें सबको समझ में आ रही होंगी ये सारी बातें सबको समझ में आ रही होंगी चलिए अब देखिए आ जाइए अगले सवाल पर अगला क्वेश्चन देखिएगा ये शायद आपका है टाइप फोर ये टाइप थ्री हो गया अब यह आपका आ गया टाइप फोर देखिए टाइप फोर का सवाल है चलिए अब टाइप थ्री अगर आपको समझ में आ गया है तो विशेष किसी भी टाइप में आपको कोई समस्या नहीं होगी देखिएगा ध्यान से भाई अब किसी भी टाइप में आपको कोई समस्या नहीं होगी आप जरा देखें क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा ना आप लोगों को थोड़ा और बड़ा करने की जरूरत है तो मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूं अब दिखाई दे रहा है चलिए आशुतोष सिंह कह रहे हैं टाइफोरी ही है हाँ बिल्कुल टाइफोर है क्लियर है अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बच्चों 35 नंबर से 41 नंबर तक के सवाल हैं क्या क्या ये क्वेश्चन है ध्यान दीजिए आप लोग लिखा है एक ठोस घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है इसके बाद इसे काटकर चौसठ बराबर माप वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित किया गया है तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दें ऐसे कितने घन हैं जिसके तीन सतह रंगे हुए हैं ऐसे कितने घन हैं जिनकी दो सतह रंगी हुई है ऐसे कितने घन है जिनकी कम से कम दो सतह रंगीन है और ऐसे कितने घन जिनकी एक सतरंगीन है ऐसे कितने जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन है ऐसे कितने घन जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं है और एक सवाल और है बड़े घन को छोटे छोटे बराबर घन में बांटने के लिए कितनी बार काटने की आवश्यकता होगी चलिए ये सारे आपके क्वेश्चन हैं और इन सभी क्वेश्चन का जवाब आप बहुत आसानी से दे पाएंगे ध्यान दीजिए अनुज सिंह आप एक ही बात को बार बार लिख रहे हैं सर रैंकिंग कब करवाएंगे क्वेश्चन मार्क सर रैंकिंग कब करवाएंगे क्वेश्चन मार्क एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आठ बार आपने लिखा है कोई फायदा मिला बाबू कोई फायदा नहीं आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि रैंकिंग आपका क्यूब का जो चैप्टर है वो समाप्त होते होते हो जाएगा लास्ट के कुछ सवाल बचे हैं उसी को कराना है पढ़ाना पढ़ाना नहीं रैंकिंग ठीक है रैंकिंग पढ़ाना नहीं है आशुतोष सिंह कह रहे हैं कि सर क्यूब के बाद जो भी क्लास चलेगी वो भी फ्री चलेगी सर नहीं बाबू ठीक है ये क्यूब भी आपका पूरा फ्री नहीं चलेगा केवल सीएल मैं फ्री पढ़ा दे रहा हूं प्रैक्टिस सीट में मैं सीधे पर ही आ जाऊंगा ठीक है चलिए <coughs> ध्यान दीजिए आप लोग अब देखिए अगर बच्चों इन सब क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है अगर इन सभी चीजों को सॉल्व करना है तो आपको बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना होगा देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट समझना होगा आप जरा एक बात हमें यह बताइए अगर मैं कॉर्नर की बात करूं तो कॉर्नर से कितनी सतह रंगीन घर निकल सकते हैं तो आप कहेंगे कॉर्नर से अधिकतम तीन सतह रंगीन होगा और मिनिमम जीरो भी हो सकता है अगर मैं किनारे की बात करूं तो किनारे से मैक्सिमम दो सतहें रंगीन हो सकती हैं और मिनिमम बच्चों जीरो चलिए अगर बच्चों मैं सरफेस की बात करूं तो सरफेस से मैक्सिमम एक सतह रंगीन घन निकल सकता है और मिनिमम कितना जीरो और बच्चों अगर मैं कोर की बात करूं तो कोर से हमेशा रंगहीन घन प्राप्त होते हैं आ रही बात समझ में चलिए अब एक बात जरा ध्यान से समझिए आपके सवाल में लिखा है कि एक ठोस घन के सभी सतहों को ये देखिए सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है सभी सतहों को लाल रंग से रंगा गया है और अगर बच्चों सभी सतहों को लाल रंग से रंगा गया है इसका मतलब कोई भी ऐसी सतह नहीं है जिस पर कलर ना हो हर सतह पर कलर है हर सतह पर कलर है आ रही बात समझ में तो देखिएगा दो सिचुएशन होती है और ये दो सिचुएशन में आपको पहले बता दे रहा हूं क्योंकि अभी कुछ बच्चे पूछेंगे अगर सब पर कलर नहीं होता तो क्या करते तो सुन लीजिए अगर सब पर कलर नहीं होता तो आप टाइप फाइव में पहुंच जाएंगे अभी मैं टाइप फोर पढ़ा रहा हूं अभी हम लोग ऐसे सवाल करेंगे जिसमें सब पर कलर होगा फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें कुछ पर कलर नहीं होगा और कुछ पर कलर होगा तो वो भी अलग अलग कलर होंगे आ रही मेरी बात समझ में तो चलिए ध्यान दीजिए आप लोग अब इस सवाल को ध्यान दीजिएगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको घन का खुला हुआ फिगर बनाना पड़ेगा घन का खुला हुआ फिगर बनाना पड़ेगा ध्यान से समझिए आप लोग घन का खुला हुआ रूप क्या है बच्चों मैं वो फिगर बना रहा हूं ध्यान दीजिए आप लोग देखिए जो बच्चे स्टार्टिंग से नहीं पढ़े होंगे अब उनके लिए लाइव आने की कोई आवश्यकता नहीं उनको जो बच्चे स्टार्टिंग से नहीं पढ़े हैं उनको लाइव पढ़ने की अब कोई जरूरत नहीं है वो अपना समय बर्बाद करेंगे क्योंकि अब पूरा हो चुका है बेसिक ज्ञान समाप्त अब चीजें बस केवल सॉल्व करनी है और थोड़ी बहुत चीजें बतानी है ठीक है चलिए ध्यान दीजिए लिखा है एक ठोस घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है तो आप बच्चे बताएं अगर मैं घन का खुला हुआ रूप बनाऊं तो ये देखिएगा ध्यान से ये घन का खुला हुआ रूप है ये घन का खुला हुआ रूप है तो एक दो तीन चार ये चार सतह और ये बच्चों दो विपरीत सतह टोटल कुल कितनी सतह हो गई छह। और इसको भी लाल रंग से रंगा गया है सभी सतहों को लाल रंग से रंगा गया मतलब ये भी लाल है ये इस पर भी लाल रंग है इस पर भी लाल रंग इस पर भी लाल रंग इस पर भी लाल रंग और इस पर भी लाल रंग है क्लियर चलिए आप एक एक करके बातों को समझिएगा एक एक करके आप सारी बात समझें पहला सवाल आपका क्या है पैंतीस नंबर के क्वेश्चन में आपसे यह पूछा है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीन सतह रंगी हुई हैं? मतलब तीन सतह रंगीन तीन सतह रंगीन घनों की संख्या तीन सतह रंगीन घनों की संख्या यह आपको निकालना है पहला सवाल पैंतीस नंबर का यही है ऐसे कितने घन है जिनकी तीन सतह रंगी हुई है तो अगर बच्चों आपसे पूछा है कि ऐसे कितने घन है जिनकी तीन सतह रंगी है तो एक बात जरा में आप लोग ये बताइए जो घन निकल, निकल, निकल के आते हैं वो कितने जगह से, 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 से निकल के आते हैं आप कहेंगे घन चार जगह से निकल के आते हैं कहां कहां से भाई कॉर्नर से घन निकलता है एस से घन निकल के आता है सरफेस से घन निकल के आता है और बच्चों कोर से घन निकल के आता है क्या इन चार स्थानों के अलावा और कहीं से भी कोई घन निकल के आता है आप कहेंगे और तो कहीं से आता नहीं है तो सबसे पहले आप पहुंचिए कोर के पास कोर के पास पहुंचिए और इस कोर से पूछिए कि क्या कोर भाई आप मुझको ये बताइए कि क्या आप मुझको तीन सतह रंगीन घन दे सकते हैं क्या तो कोर कहेगा कि हम तो बिना रंग वाला घन देते हैं बिना रंग वाला चाहिए तो मेरे पास आइए नहीं तो उसके अलावा तो मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा तो इसको काट दीजिए भाई फिर आप पहुंचेंगे सरफेस के पास इससे पूछेंगे कि सरफेस भाई आप बताइए क्या मुझको तीन सत्तर रंगीन घन दे पाएंगे क्या तो ये कहेगा कि मेरी मैक्सिमम लिमिट तो एक घन देने की एक सत्तर घन देने की है या तो मैं अगर अधिकतम दूंगा तो एक सत्तर रंगीन ही आपको दे पाऊंगा तो आप कहेंगे नहीं भाई मुझको तो तीन सत्तर रंगीन चाहिए तो इसको भी काट दीजिए फिर आप पहुंचेंगे एज के पास आप पूछेंगे कि क्या बताइए आप मुझको तीन सत्तर रंगीन घन दे सकते हैं तो ये कहेंगे कि मेरी मैक्सिमम लिमिट है दो सत्तर रंगीन घन देने की अगर दो सत्तर घन चाहिए आपको तो मेरे पास रुकिए, नहीं तो आगे निकल जाइए तो आप कहेंगे भाई आपके पास रुकने का मतलब तो है नहीं क्योंकि हम खोज में हैं तीन सतर और आप दे पाएंगे केवल दो सतरंगीन तो ये कोर दे नहीं पाएगा सरफेस दे नहीं पाएगा एज दे नहीं पाएगा तो तीन रंगीन घन कौन दे पाएगा आप कहेंगे तीन रंगीन घन केवल कॉर्नर से ही मिल सकता है केवल कहां से मिल सकता है केवल कॉर्नर से मिल सकता है बच्चों और अगर कॉर्नर से मिल सकता है तो इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है आप सीधे कहेंगे तीन सतर रंगीन घन केवल कहां से निकल के आएगा केवल कॉर्नर से निकल के आएगा और आप बताइए कॉर्नर की संख्या कितनी होगी कॉर्नर की संख्या आठ तो आप कहेंगे इसका सीधा हम आंसर क्या देंगे आठ देंगे क्यों आठ देंगे क्योंकि आठ के आठों घन ऐसे होंगे जिसके तीन सतह पर कलर होगा और चलिए मैं आपको कॉर्नर काउंट करके समझा दे रहा हूं देखेगा इसमें कोना कहां है एक कोना यह है एक कोना यह है दो एक कोना ये तीन एक कोना यह चार एक पांच और एक और फिर देखिएगा ध्यान से इस पर कलर क्या है इस पर कलर है रेड चलिए तो आप कहेंगे एक दो तीन 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 छह छह एक सात सात और एक आठ आठ कोने हैं और यहीं से आपको चीजें समझ में आ रही हैं यहीं से सारी चीजें समझ में आ रही हैं अगर मैं इस कोने की बात करूं तो इस कोने को आप जरा देखेगा इससे जुड़ी हुई क्या तीनों सतहें लाल रंग से रंगी है कि नहीं इससे जुड़ी हुई तीनों सतहें लाल रंग से रंगी है इस पर भी तीनों पे लाल है इस कोने से भी जुड़ी तीनों सतहों पे लाल है इस तीन सतह पे लाल है इस तीन सतह पे लाल है, इस तीन सतह पे लाल इस तीन सतह पे लाल है तो आप कहेंगे तीन सतह रंगीन घन हमें केवल कोने से मिलेगा और कॉर्नर से प्राप्त घनों की संख्या कितनी है आठ है क्लियर है चलिए अब आ जाइए अगले सवाल पर अगला सवाल देखिए छत्तीस नंबर का क्वेश्चन छत्तीस नंबर का सवाल क्या है लिखा ऐसे कितने घन है जिनकी दो सतह रंगीन है दो सतह रंगीन घनों की संख्या दो सतह रंगीन घनों की संख्या तो अगर बच्चों में दो सतह रंगीन घनों की संख्या की बात करूं तो आप फिर कहेंगे कि घन कहां कहां से निकलता है कॉर्नर से निकलता है एज से निकलता है सरफेस से निकलता है और बच्चों कोर से निकलता है सबके पास जाइए और मांगिए देखिए कौन दो सतह रंगीन घन दे पाएगा क्या ये दो सतह रंगीन घन दे पाएंगे ये तो दे ही नहीं पाएगा ये दो सतह रंगीन घन दे पाएगा ये भी नहीं दे पाएगा लेकिन ये दो सतह रंगीन घन दे देगा और इससे भी दो सतरंगीन रंगीन घन निकल सकता है लेकिन जब घन की सभी सतहों पर लाल रंग है तो किसी भी कॉर्नर से दो सतरंगीन रंगीन घन नहीं आएगा इसलिए कहेंगे बच्चों कि यहां पर आपको दो सतरंगीन रंगीन घन चाहिए तो दो सतरंगीन रंगीन घन कहां से मिलेगा बच्चों दो सतरंगीन रंगीन घन आपको मिलेगा केवल किनारे से कोने से भी मिल सकता है लेकिन कोने से तब मिलता ना जब एक सतह ऐसी होती जिस पर कलर नहीं होता अगर मान लीजिए अगर मैं इस पर कह दूं कि इस पर कलर है ही नहीं इस पर कलर है ही नहीं अगर इस पर से मैं कलर हटा दूं चलिए अगर मैं इससे कलर हटा दूं तो आप बताइए अगर मैं यहां से कलर हटा दूंगा हट क्यों नहीं रहा भाई अगर मैं यहां से कलर हटा दूं तो आप देखेगा जो ये कॉर्नर होगा जो ये कोना होगा इस पर लाल है इस पर लाल है लेकिन इस पर लाल नहीं रहता तब यहां से दो शतः रंगीन घन भी मिल सकता था लेकिन बच्चों यहां पर अगर सभी सतहों पर लाल रंग है तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि कॉर्नर से नहीं निकल के आएंगे ऐसे घन तो दो सतरंगीन घन कहां से निकल के आएगा एस से तो दो सतरंगीन से निकल रहा है किनारे से निकल रहा है और अगर आप किनारे की बात करें तो किनारे से अगर आपको दो सतरंगीन घन चाहिए तो आप कहेंगे किनारा गिनने से पहले x माइनस टू से गुड़ा कर लेते हैं किनारे से प्राप्त घनों की संख्या x माइनस टू और गुड़े आप करेंगे बारह बारह क्यों करेंगे समझ में आ रहा है यक्स की वैल्यू कितनी है यक्स की वैल्यू बच्चों जरा देखेगा ये चौसठ घन है तो यूब बराबर चौसठ तो एक्स बराबर कितना होगा चार तो आप कहेंगे ये फोर माइनस टू फोर माइनस टू का मतलब दो तो बारह गुड़े दो कितना चौबीस चौबीस घन होंगे आ रही बात समझ में चलिए अब इसके आगे की कहानी मैं आप लोगों को कल समझाऊंगा कल दिखाऊंगा इसके आगे की कहानी ठीक है चलिए तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही ये सारी चीजें एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा अभी मैं सभी सतहों पर कलर करके आपको दिखाऊंगा कि सभी सतह रंगीन होंगी तो आप डायरेक्ट कैसे गिनेंगे क्योंकि ऐसे ही सवाल मुख्य रूप से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो कठिन सवाल है उसको सॉल्व करने के लिए जब कलर अलग अलग होंगे तो उसके लिए जो भूमिका बनानी पड़ेगी भुमि... मैं भूमिका बनाने के बाद फिर आप लोगों को समझाऊंगा लेकिन अभी आप लोगों को डायरेक्ट जो काम करना है उसके लिए बस इतना ही तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही फिर मुलाकात होगी कल इसी प्रकार प्यार स्नेह सम्मान के साथ मेरी क्लास हर रात नौ बजे देखा करिए आप लोग लीवोलॉन लो ऐप पर ओके बच्चों थैंक यू जय हिंद